आपका नेक्स्ट सम, इसमें आपको निकालना है नेट प्रॉफिट्स रेशियो, ठीक है जी। इसके लिए बिल्कुल सेम वैसा ही कंसेप्ट आपको लगाना है, यहाँ लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट्स बाय में सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में क्या लिया था, वो भी लिया था आपने, है ना, सेम सबका कनेक्शन किससे होता है, यहाँ पे सेल्स है। तो हमें ये निकालना है बेसिकली कि यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट्स आएगा वो सेल्स का कितना है, आपको ये निकालना है। अब जो नेट प्रॉफिट है बच्चों, वो ऑपरेटिंग से कम होता है या ज़्यादा होता है, एक सिंपल केस में हम कहेंगे जी कम होता है। आपको वापस याद दिलाऊं तो जीपी में से जब मैं क्या निकालता था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकालता था तो अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते हैं, जबकि नेट कब आते हैं, जब आपका जीपी में से ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंसेस को घटाते हैं तो अपने पास नेट प्रॉफिट्स आते हैं। तो कुल मिला के मुझे सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पे घटाना है। अब आपके पास सेल्स है, ये काम तो चलो एक आसान हो ही जाता है, अपना 2 लाख है ना, मुझे तो नेट प्रॉफिट्स यहाँ पे चाहिए। कैसे निकलेगा, आपको सेल्स में से ना प्लस किया जाएगा किसको, आपकी इनकम्स। इसमें दो इनकम आपको ध्यान होगा आती थी, एक तो ऑपरेटिंग इनकम होती है, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, सही बात है ना। अच्छा, माइनस किया जाएगा इसमें किसको, जो आपके एक्सपेंसेस थे। इसमें भी दो बातें आती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये सब होने के बाद आपके पास बच्चों आ जाता है नेट प्रॉफिट्स। अपने यहाँ सेल्स नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है जीपी, आपको जीपी में से इसको घटाना होता है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि अपने पास जीपी तो है ही बड़ा, कितना है 75,000, चलो ये काम तो आसान हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस लेस होंगे, बिल्कुल होंगे, कोई भी एक्सपेंस है ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, हमें दोनों घटाने हैं क्योंकि हमें नेट निकालना है, तो ठीक है 15 ये लेस हो जाएंगे आपके। सेलिंग एक्सपेंस है 26, ये भी आपके लेस हो जाएंगे। अच्छा, ये आपने ब्याज दिया है इन पर, ये वैसे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों, बट हम तो घटाएंगे ना क्योंकि हमें नेट चाहिए। एक्सीडेंटल लॉसेस यहाँ पे 12,000 के हैं, इसका क्या किया जाए, घटा दो, नॉन ऑपरेटिंग है। रेंट आया है 2500, वैसे देखा जाए तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बट हम तो लेंगे ना। कमीशन मिला है, इसको भी ले लो, मतलब 75,000 में ये 6 एडजस्टमेंट्स बच्चों आपके पास हुई है, देख लो कितना आ जाएगा 41, 46 एंड 58। 58 तो इसमें से माइनस हो जाएगा पहले इन सबको मिला के, तो ये आपके पास कितना बच गया जी 17,000। इसमें आपका ये 45 प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 21,005, ठीक है जी। ये क्या आया, ये आ गया बच्चों नेट प्रॉफिट्स। हमने क्या किया, इसमें जो भी अपने एक्सपेंसेस थे, चाहे वो ऑपरेटिंग थे चाहे नॉन ऑपरेटिंग थे, उसको लेस किया। जो भी अपनी इनकम थी, चाहे वो ऑपरेटिंग इनकम थी जैसे कमीशन आपको मिला है, चाहे आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है रेंट मिला है, दोनों को ही ऐड किया है, ये अपने पास आ गया नेट प्रॉफिट। एंड ये क्या था, क्रोस, ठीक है जी। तो कितना आया 21,500, यहाँ लिख दो 21,500 बाय में सेल्स कितनी है आपकी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ जाएगा 10.75। इसका मतलब जो आपकी आपका नेट प्रॉफिट है ना, वो आपका सेल का 10.75 है। तो ये बच्चों आपका टॉपिक कंप्लीट होता है नेट प्रॉफिट्स रेशियो का। आज आपको जो सम्स निकालने हैं ना, वो आपको निकालने हैं आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ तक 108 तक। इसके बाद इस लेसन का एक छोटा सा टॉपिक अपना बाकी है, ठीक है, उस पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे इनकम निकालते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।